अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाले हैं आप दोस्तों के। तो ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी का आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल है। तो दोस्तों, आप मोहब्बत सतरंगी की आने वाली एपिसोड में ये देखने जा रहे हैं कि महजबीन के पास आते हुए ये देखेंगे कि और वो कहती है कि महजबीन, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। तो महजबीन उसे वापस कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ से डर रही है या वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तो आप जान सकते हैं कि वो आखिरकार क्यों डर रही है, तो इस तरह और आप मुझसे कुछ क्यों छुपा रही हैं। तो सब वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और फिर अयान कहता है कि हाँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो मुझसे कुछ ना कुछ हद से ज़्यादा ही प्यार करती है। इसलिए मेरी आप मदद कर दें, उसे खुश रखना चाहता हूँ, मैं उसे उतना दुख नहीं दे सकता। तो महजबीन उसे कहती है कि ठीक है, तुम कभी महनूर को मेरे घर ले आओ तो मैं वहीं उससे पूछूँगी कि वो आखिरकार ऐसा क्यों करती रहती है। तो इस तरह अगर वो आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकती है। तो अयान उस पर कहता है कि ठीक है, मैं कल आपके पास महनूर के पास महजबीन के साथ आ जाऊंगा। और वो टीना और एनी को बहुत ज़्यादा तंग करती है, इतना कि अब दोनों उनमें से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती हैं। तो हसन आरा भी यही सोच रही थी कि अब वो आपको इतना ही तंग करेगी जितना उसने अजीम को सताया था। फिर यहाँ आईना कहता है कि तुम्हारी ये खाल यहाँ से कब जाएगी, खाला कहाँ यहाँ से कब जाएगी। तो उसे कहती है कि ये चंद दिनों के बाद चली जाएगी, तुम लोग बस कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, उसकी वजह से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, सारे घर का माहौल ख़राब हो गया है, तो अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उसे जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाने के लिए कह सकते हैं। फिर हारिस उसे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो हमारे घर का मेहमान है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो जी दोस्तों, आपको ड्रामा सीरियल का रिव्यू कैसा लगा, मोहब्बत सतरंगी का, जिसका रिव्यू मैंने आज किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।